हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका जॉब्स अड्डा IQ चैनल पर। यूट्यूब का चैनल है, मेरा नाम है रजनी। आपको क्या करना है, यूट्यूब के नीचे जो है सब्सक्राइब का बटन है, उस पर आपको जाना है, सब्सक्राइब करना है और इसके साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करना है ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। वीडियो के नीचे लाइक का ऑप्शन है, लाइक करना है आपको, शेयर करना है आपके सोशल मीडिया जैसे आप व्हाट्सएप के ऊपर जो है स्टेटस लगा सकते हो, कैसे वो मैं आपको बताऊँगी आगे। टेलीग्राम का चैनल है ये जॉब्स अड्डा IQ, इसको आप ज्वाइन कीजिए बिकॉज यहाँ पर डेली जो है क्विज़ होती है, ये जैसे आपको दिख रहे हैं क्विज़ के क्वेश्चन हैं, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पर जैसे ये आप कोई भी चैनल मेरा जॉब्स अड्डा IQ पे कोई भी वीडियो आप जैसे ही शुरू करोगे तो यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन है, उस पर आप पहले तो क्लिक करना है, दूसरा लाइक करना है आपको, ठीक है। और ये जो शेयर है यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे व्हाट्सएप का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे व्हाट्सएप के ऊपर आप जो स्टेटस लगा सकते हो इसका, ठीक है। और स्टेटस के नीचे लिख सकते हो कि सब्सक्राइब दिस चैनल, ओके। तो ये है आज की इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी, और आज हम करेंगे मैथ का टॉपिक, ठीक है, मैथमेटिक्स का टॉपिक करेंगे और वो हमारा चल रहा है टेबुलर DI। क्या चल रहा है? टेबुलर DI। तो ये जो DI है वो हमने पिछले दिनों की थी, दिस वन, ये जो DI है हमने पहले की थी, सिटी पॉपुलेशन मेन वुमेन का रेशियो। आज हम एक नई DI करेंगे, वो है परसेंटेज के ऊपर बेस, टेबुलर DI परसेंटेज की, दिस वन। देखो ये DI देखो आप, पढ़िए इसको पहले। फ्लोइंग टेबल गिवन द डिटेल ऑफ आइटम, डिटेल ऑफ आइटम्स दे रखा है यहाँ पे, सोल्ड बाय टू डिफरेंट स्टोर, दो अलग अलग स्टोर, स्टोर ए एंड स्टोर बी, स्टोर ए एंड स्टोर बी, एंड अमंग देम परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ आइटम परचेज बाय फीमेल आर गिवन। और उनमें जो यानी जो अगर कोई मतलब सोल्ड की है कोई आइटम्स तो उसको कोई ख़रीदेगा तो उसमें ख़रीदने में आपको परसेंटेज दे रखा है फीमेल का। यहाँ पे देखिए जैसे डेज दे रखे हैं आपको, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे एंड फ्राइडे, ठीक है। स्टोर दे रखा है, टोटल आइटम स्टोर ए के अंदर दे रखे हैं, 230, 280, 335 इस तरीके से। और इसमें से जो फीमेल ने परचेज़ किया है वो परसेंटेज दे रखा है 30%, 45%, 40%, ठीक है। इसी तरीके से बी में टोटल आइटम दी हुई है और जो फीमेल ने जो परचेज़ किया वो परसेंटेज दे रखी है। देखो अगर हम बोले कि यहाँ पे मेल का नहीं दे रखा तो देखो कोई भी वैल्यू अपने आप की 100% होती है, कोई भी वैल्यू अपने आप की 100% होती है। तो अगर 30% फीमेल ने लिया है तो मेल ने लिया 70%, यहाँ पर कितना लिया है 70%। यहाँ पर अगर 45 फीमेल है तो 55 क्या होंगे, 55 होंगे, हाँ 55 मेल होंगे। 40% अगर फीमेल है तो 60% यहाँ पे फीमेल होंगे। इस तरीके से हमें जो है क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो एक दो थ्री या फोर क्वेश्चन है इसको, देखिए थोड़े लेंथी क्वेश्चन है, दिस वन देखिए। आइटम परचेज बाय फीमेल स्टोर बाय ए ऑन वेडनेसडे एंड थर्सडे टुगेदर इज हाउ परसेंट मोर आर लेस देन टोटल आइटम परचेज बाय मेल फ्रॉम बी ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे टुगेदर। अब हम इसको यहाँ तक आएंगे तो ऊपर वाला भूल जाएंगे क्या है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है इसमें पूछा क्या है, इसमें परसेंटेज पूछा है मोर देन या लेस देन। तो इसमें हम एक ट्रिक यूज़ करते हैं, वो यूज़ करते हैं रेशियो मेथड। क्या यूज़ करते हैं हम? रेशियो मेथड। दोनों का हम रेशियो अलग अलग निकाल लेंगे और फिर हम इसको परसेंटेज में लेस या मोर है उसको हम डिसाइड कर लेंगे। तो पहला क्या है, फीमेल फ्रॉम ए ऑन वेडनेसडे, फीमेल ए ऑन वेडनेसडे, यहाँ पे ए है, ये वेडनेसडे है 335, 335 दिस वन, और फीमेल कितना है 40%, 40/100 प्लस इकट्ठा है ना टुगेदर, फीमेल ए थर्सडे, फीमेल ए थर्सडे में कितना है 360 का 60%, ठीक है। इसको हम अलग से सोल्व करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे फिर इसको। ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपका 2/5, अगर आपको पता है तो ये होता है 3/5। तो आपको
मुश्किल नहीं होगी अगर ये आपको पता है चीज़ें। तो ये जाएगा 6 एंड 7, तो 6 2 7 14, 1 3, उसके बाद ये जाएगा आपका 7 2, 6 एंड 21, दोनों का ऐड कितना हो गया 5 4 एंड 3, यानी 3 4 5, क्या हो गया 3 4 5, एक सेकंड, 6 एंड 21, नहीं नहीं ऐड हमने गलत कर दिया, 0 4 5 और 3, यानी 350। तो ये जो ऊपर वाला है इसका आंसर क्या है 350, क्या है 350। यहाँ पे हम ए का जो इसने बोला था फीमेल का, ये है 350 रेशियो। दूसरा देखो, मोर या लेस के बाद क्या देखा है, टोटल आइटम परचेज बाय मेल फ्रॉम स्टोर बी, टोटल आइटम परचेज बाय मेल स्टोर बी ऑन थर्सडे, थर्सडे में कितना है 380, 380। मेल पूछा है फीमेल कितनी है 25, तो मेल कितने होंगे 75/100, प्लस वही मेल बी फ्राइडे में, तो ये है आपका क्या था ये इरेज 275, 40% क्या है फीमेल है, तो 60% क्या होगा आपका, 60% क्या होगा, मैं यहाँ पे इसको सोल्व करती हूँ, 60% क्या होगा आपका मेल, इसको सोल्व कर लो, ये है तो है 3/4, 75 मतलब 3/4, 60% मतलब 3/5, काटो यहाँ पे 9 पे गया, उसके बाद 5 पे, तो 3 5 15, 1 27 और 2, 20 27 and 1 28, प्लस इसको क्रॉस करो, दिस वन इज़ 5 7 5 है ये, एंड 5 इसको मल्टीपल करेंगे तो 165। अब इसको ऐड कर लो, ये क्या आएगा 0 5 and 4, तो 300 450। तो दोनों का रेशियो कैसे बना, अगर हम मोर या लेस करते हैं ना, तो उसमें हम रेशियो मेथड से सोल्व करते हैं ताकि वो आसानी से सोल्व हो जाए, तो 350 रेशियो 450, 350 रेशियो 450, ओके। तो इसको क्रॉस कर लो ताकि आपको इसको सोल्व करने में आसानी हो, 7 5 पे कटेगा 7 रेशियो 9, 7 रेशियो 9, 7 रेशियो 9। अब इसने पूछा है कि कितने परसेंट जो है मोर या लेस है, पहला आइटम दूसरे आइटम से क्या है, लेस है या मोर है, 7 7 जो है 9 से क्या लेस है, तो परसेंट लेस, परसेंट लेस कितना है 7 माइनस 9, 9 माइनस 7 2, और किसके कंपैरिजन में, लास्ट वाले में 9/100 परसेंट निकल जाएगा, तो इसका 200/9 होता है हमेशा, इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 22 raised to 9% होती है, ओके, इतना आपको ध्यान रखना है। तो आपको इस तरीके से करना है, अगर आपको दूसरे तरीके से करोगे तो जैसे 350 और 450, तो इसमें से आप माइनस करोगे 100, उसके बाद इसको लिखोगे 450 और मल्टीपल 100, आंसर वही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये 2 पे जाएगा, ये 9 पे, तो 200/9, तो वही चीज़ आएगी। लेकिन आप अगर आदत बना लो रेशियो मेथड से, तो कई बार जो हाई वैल्यू होती है ना, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी, तो आपको इसी तरीके से हैबिट बनानी है कि जहाँ पे परसेंटेज पूछें, लेस या मोर कंपैरिजन पूछे, वहाँ पे आप रेशियो मेथड को यूज़ कर पाओ। सेकंड क्वेश्चन देखो, टोटल आइटम परचेज ऑन थर्सडे, टोटल आइटम परचेज ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे टुगेदर ऑफ स्टोर ए इज़ व्हाट परसेंट ऑफ टोटल आइटम परचेज ऑन वेडनेसडे एंड थर्सडे टुगेदर स्टोर बी, तो यही परसेंट ही पूछा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे रेशियो मेथड यूज़ करेंगे, ओके। तो टोटल आइटम ए थर्सडे एंड फ्राइडे, ए ये है थर्सडे एंड फ्राइडे, ये टोटल कितना हो गया 360 और 420 कितने हो गए 780, कितना हो गया 780 रेशियो, टोटल आइटम बी वेडनेसडे एंड थर्सडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे 270 और 380, 270 और 380 क्या हो गए 650, तो ये इसका कितना परसेंट है। अब वही चीज़ मैंने आपको बताई थी, अगर हम रेशियो से नहीं करेंगे तो हमें
जो है कैलकुलेशन काफ़ी लेंदी जाएगी, तो इससे अच्छा इसको काट लो। ये 313 की टेबल पे कटेगा, 313 6 जा और 13 5 जा। तो इसने पूछा है कि 6 5 का कितना परसेंट है, 6 जो है 5 का कितना परसेंट है, 20 कट गया यानी 120% है। तो स्टोरेज ए के अंदर जो थर्सडे और फ्राइडे है वो जो है स्टोर बी वेडनेसडे और थर्सडे से 120% जो है 120% है उसका। ओके, कम या ज़्यादा नहीं पूछा इसने, सिर्फ टोटल पूछा है। वैसे थर्ड क्वेश्चन देखो, इफ टोटल आइटम परचेज फ्रॉम ए एंड बी स्टोर बी, टोटल आइटम परचेज स्टोर ए एंड स्टोर बी ऑन सैटरडे, यहाँ पे सैटरडे का नहीं दे रखा, इसने बता रखा है कि सैटरडे में क्या है, एक सेकंड, लिखा नहीं जा रहा है, सैटरडे आर 20% मोर देन एंड 30% मोर रिस्पेक्टिवली देन टोटल आइटम स्टोर ए एंड बी ऑन सैटरडे। यहाँ पे सैटरडे नहीं आएगा, एक सेकंड, यहाँ पे वेडनेसडे आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, वेडनेसडे। ठीक है, तो इसने बोला है कि सैटरडे को जो आइटम है वो जो है स्टोर ए और बी से जो उन्होंने बुधवार को परचेज़ की थी, वेडनेसडे को परचेज़ की थी, उसका 20% और 30% ज़्यादा है। तो वेडनेसडे को ए का कितना है, 335, ठीक है, और बी का वेडनेसडे को कितना है, 270। ओके, तो इसका 20% और इसका ये 30% ज़्यादा है, ज़्यादा मोर। तो एक तो तरीका ये है इसको सोल्व करने का, हम 335 का 120% निकाल ले इकट्ठा, क्योंकि ये 20% ज़्यादा बता रहा है ना, तो 100% ये अपने आप का है और उसका 20% हम निकाल लेंगे। ठीक है, ये कैलकुलेशन आपकी लेंदी जाएगी, इसलिए आपके पास शॉर्ट ऑप्शन क्या होता है, 335 दे रखा है तो इसका 10% कितना होता है, 10% होता है 33.5, 10% ये हो गया। इसका 20% कितना होगा, 2 से हम मल्टीपल कर देंगे तो कितना होगा ये, 67। तो 67 इसमें हम ऐड कर देते हैं, जो पहला ये दे रखा है 100%, 100% प्लस 20%, जो मैंने पहले बताया उसी के हिसाब से ये 100% प्लस 20%, तो ये कितना बन गया, 402 यानी 402। इसी तरीके से इसको करूँ, इसका 10% कितना होगा, 27, 10% इसका कितना होगा, 27, इसका 30% कितना होगा, 3 गुना इसका यानी 81। तो 81 हम 270 में ऐड कर देंगे, 81 हम 270 में ऐड कर देंगे, क्योंकि 270 अपने आप का 100% है और 81 अपने आप का 30% है, तो 1513, तो इसने क्या पूछा है कि टोटल कितना हो गया, ये टोटल कितना हो गया, तो 402 प्लस 351 कितना हो गया, ये 3513 यानी 753 हो गया। ओके, तो इस तरीके से आपको इसको सोल्व करना है क्वेश्चन को। ओके, होप सो आपको परसेंटेज जो है ये समझ में आई होगी। तो इतने ही क्वेश्चन है, ये 3 मैंने करवाए हैं, इसको दोबारा से देख लेना अगर कुछ समझ में नहीं आया। मेरा यहाँ पे करवाने का मोटिव है कि आप कम टाइम में कैसे करोगे, इस टाइप के क्वेश्चन को कर हर बच्चे ले जाएंगे, लेकिन मैं आपको ये मेथड बता रही हूँ कि कम टाइम में आप इसको कैसे सोल्व करोगे। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई सेशन, कल हम मिलेंगे एक इंग्लिश के नए टॉपिक के साथ जिसमें हम इंग्लिश स्पोकन भी कर रहे हैं। ओके, तो कल के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। We'll be right back.